चैप्टर 6 औकलज के अनुप्रयोग में हम लोग देखेंगे अब स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो अवकलन का जो है इसमें उपयोग करके हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण, किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है, ये x एक्सिस हो गया, ये y, और कोई फलन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स फलन का ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ हो गया। तो इसका कोई बिंदु P हम लोग लेते हैं, तो इस बिंदु P पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x नॉट है और y कोऑर्डिनेट y नॉट है। तो इस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी बिंदु P पे, ये जो स्पर्शी खींची जाएगी स्पर्श रेखा बिंदु P पे, इस वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस स्पर्श रेखा का समीकरण हमको निकालना है। ये पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट और देखिए कि अगर हमारा y इक्वल टू एफ एक्स वक्र है, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जिसको हम लोग लिखते हैं f डैश x, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स वक्र है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा अवकलन हो गया, और f डैश x यानी डी वाई बाई डी एक्स जो हम लोग अगर निकालें इसके किसी बिंदु x नॉट y नॉट पे, x नॉट कामा y नॉट बिंदु पे, यानी ये कैसे निकलेगा, फलन का अवकलन हम लोग कर लेंगे, एफ डैश एक्स पता चल जाएगा और उसमें एक्स की जगह पे एक्स नॉट हम लोग पुट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी पता चल जाएगी, ये एक्स नॉट कामा वाई नॉट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू आप निकाल लो। तो ये हमको पता है कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है एफ डैश एक्स नॉट, ये हमारा जो स्पर्शी होता है उसकी प्रवणता होता है, स्लोप, अगर एंगल थीटा हो इसके द्वारा बनाया गया, तो स्लोप हमारा जो परिभाषित होता है m इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या है, ये जो स्पर्शी है इस स्पर्श रेखा का प्रवणता, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, क्योंकि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता होती है टेन थीटा। तो ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो टेन थीटा होता है, ये हमारा एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू होती है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप एक्स नॉट कामा वाई नॉट पे, यानी बिंदु इस पी, बिंदु पी पे एक्स नॉट वाई नॉट जो बिंदु है इस पे स्पर्श रेखा खींचा गया और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी एफ डैश एक्स एक्स नॉट वाई नॉट पे। तो ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु एक्स नॉट कामा वाई नॉट पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है वो हमारा बिंदु P पे, उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy by dx और उसमें x नॉट y नॉट का जो है आप उस बिंदु की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। और इसको हम लोग f डैश x में x की जगह पे x नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f डैश x नॉट। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट हमारा हो गया। हमारा टारगेट क्या, हमको निकालना है कि कोई वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है, उसके किसी बिंदु P x नॉट y नॉट जिसका कोऑर्डिनेट है उस पर जो स्पर्श रेखा है इसका समीकरण निकालना है।
तो अवकलन का प्रयोग क्या होगा कि अगर किसी वक्र के बिंदु P पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, अगर वो थीटा कोण बनाए धनात्मक अक्ष के साथ, तो टैन थीटा यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी जो मिलती है वो डी वाई बाई डी एक्स, इस वक्र का डिफ्रेंशिएशन करो और वक्र में इस पॉइंट P का जो निर्देशांक वो रख दो, वही हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमको समीकरण निकालना ईजी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग सिंपली जो है स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण, तो हेडिंग हमारा हो जाएगा कि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स आपका वक्र है के बिंदु x नाट कामा y नाट पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। मतलब क्या है कि कोई वक्र हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस आपका कोई वक्र, ये y इक्वल टू एफ एक्स है जिसका ग्राफ बनाया हुआ है। अब इस पर कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x नॉट कॉमा y नॉट है, इस बिंदु पे आपने जो स्पर्शी खींचा है इसका समीकरण हमको चाहिए। तो सिंपल सा बात देखिए कि हमको पता है कि किसी एक बिंदु से जाने वाले और उसका स्लोप अगर पता हो तो उसका समीकरण लिखना हमको पता है, यानी बिंदु P x कामा y से जाने वाले और स्लोप m जिसकी प्रवणता अगर m है तो इसका समीकरण हम लोग लिखना जानते हैं कि बिंदु, इसको x1 y1 ले लेते हैं, बिंदु x1 कामा y1 से जाने वाली तथा जिसकी प्रवणता m है का जाने वाली रेखा तथा जिसकी प्रवणता m है का समीकरण। यानी कोई पॉइंट P x नॉट कामा वाई नॉट से x1 कामा वाई वन से आपका कोई रेखा जा रही है और इसका स्लोप m है, तो इक्वेशन जो आप लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ये बिंदु जो है x1 कामा वाई वन से होकर जाती है और इसका स्लोप m है, इस समीकरण का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो वक्र y इक्वल टू एफ एक्स से बिंदु x नाट कामा y नाट पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो स्पर्श रेखा का जो स्लोप हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, dy वाई बाई डी एक्स और इसमें x नाट कामा y नाट, और इसको हम लोग लिखते हैं f डैश x नॉट, यानी वक्र को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसमें x इक्वल टू एक्स नॉट, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू एक्स नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा। तो जो स्पर्श रेखा का जो स्लोप हो गया f डैश x नॉट हो गया और ये बिंदु x नॉट कामा y नॉट से होकर जाती है, तो हम लोग कहेंगे बिंदु x नॉट कामा y नॉट से होकर जाने वाली तथा प्रवणता आपका एफ डैश एक्स नॉट है, प्रवणता एफ डैश एक्स नॉट वाली रेखा का समीकरण। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन की जगह y नॉट है और m स्लोप हमारा f डैश x नॉट है x माइनस एक्स वन यानी x माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारा समीकरण हो गया स्पर्श रेखा किसी वक्र y इक्वल टू एफ एक्स
कि बिंदु एक्स नाट कामा वाई नाट पे स्पर्श रेखा का समीकरण, ये क्या है हम लोग लिख देते हैं, वक्र वाई इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु एक्स नाट कामा वाई नाट पर स्पर्श रेखा का समीकरण, एक्स नाट कामा वाई नाट पर स्पर्श रेखा का समीकरण, और एफ डैश एक्स नाट हमको पता है कि एफ डैश एक्स नाट ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स आप निकालोगे और उसमें एक्स इक्वल टू एक्स नाट पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स तो पता ही होता है आपका डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स। तो ये सिंपल सा पॉइंट हमारा हो गया कि कोई वक्र वाई इक्वल टू एफ एक्स है उसके किसी बिंदु एक्स नाट कामा वाई नाट पे जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण निकालना है, तो वाई माइनस वाई नाट इक्वल टू एफ डैश एक्स नाट एक्स माइनस एक्स नाट। अब जो अभिलंब आपका होता है बिंदु पी पे अगर अभिलंब ड्रा करेंगे तो ये स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, तो अभिलंब का समीकरण भी हम लोग लिखेंगे। चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोगों ने लिख लिया, फिर अगला हेडिंग कि वक्र वाई इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु एक्स नाट कामा वाई नाट पर खींची गई अभिलंब का समीकरण। वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है आपका, एक्स एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा वक्र हो गया, समझ लीजिए ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू एफ एक्स का। तो पी एक्स नाट कामा वाई नाट है और इस पर स्पर्श रेखा जो है उसका समीकरण तो हम लोगों ने लिख ही लिया है, स्पर्श रेखा जो अभिलंब होता है वो स्पर्श रेखा जो खींची जाती है बिंदु पी पे उस पर लंबवत होता है, इसी को अभिलंब बोला जाता है। तो ये हमारा हो गया अभिलंब और ये है आपका स्पर्शीय स्पर्श रेखा। तो एक पॉइंट तो यही हो कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं किसी बिंदु वक्र के किसी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। स्पर्श रेखा का स्लोप हमको पता है, स्पर्श रेखा का स्लोप एफ डैश एक्स नाट है और दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं तो उनका जो स्लोप का गुणनफल होता है एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन, ये हमको पता है। ये अगर मान लीजिए हमारा ये स्लोप इसका एम वन है और इसका स्लोप एम टू है और दोनों लंबवत हैं, तो एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन, यानी दो लंबवत रेखाओं के जो प्रवणताओं का गुणनफल माइनस वन होता है, दो लंब रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल माइनस वन होता है, ठीक है। तो एक का प्रवणता हमको पता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रवणता सपोज इसको हमने M1 कह दिया, ये M1 हमको पता है F डैश X नाट, अब इसकी प्रवणता अगर M2 हम लोग मान लें, इसकी प्रवणता M1 है, तो M1 इंटू M2 बराबर आपका होगा माइनस वन, यानी M1 की वैल्यू क्या है F डैश X नाट और M2 हमको चाहिए इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से M2 इक्वल टू आपका आ गया माइनस वन अपॉन F डैश X नाट। M2 क्या है हमारा अभिलंब की प्रवणता, तो
अभिलंब की अब प्रवणता पता चल गया, अभिलंब हमारा बिंदु एक्स नॉट कामा वाई नॉट से पास हो रहा है, तो बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो से जाने वाले तथा स्लोप माइनस वन अपान एफ डैश एक्स नॉट का समीकरण हमारा सिंपली वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से लिख देंगे। तो एक लाइन इसमें लिखते हैं कि बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो से जाने वाले तथा प्रवणता माइनस वन अपान एफ डैश एक्स नॉट वाली रेखा, और यही हमारा क्या है अभिलंब है, का समीकरण सिंपली y माइनस वाई नॉट इक्वल टू स्लोप हमारा है माइनस वन अपान एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारा अभिलंब का समीकरण हो गया। तो ये सिंपल सा पॉइंट हम लोगों का है, इसी पे बेस्ड हमारा ये एक्सरसाइज होगा। तो पॉइंट को हम लोग जो है अगर समराइज करें तो किसी वक्र वक्र आपका जो एफ एक्स होता है उसके बिंदु एक्स नॉट वाई नॉट पे जो स्पर्श रेखा होती है उसकी जो प्रवणता होती है, डिफ्रेंशिएशन करिए आप वक्र का, डीवाई बाई डी एक्स निकालिए और उसमें एक्स नॉट वाई नॉट पुट कर दीजिए। अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो उसमें एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट कर दीजिए, तो ये हमारा स्लोप हो गया, प्रवणता हो गया आपका स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा बिंदु पी एक्स नॉट कामा वाई नॉट पे वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स जीरो। अभिलंब हमारा इसके लंबवत होता है तो इसका स्लोप हो जाएगा अभिलंब का माइनस वन अपान एफ डैश एक्स नॉट, तो वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस वन अपान एफ डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे।